तैयारी हो गई है हमारी, थोड़ी देर में निकलते हैं और आपको भी मिलते हैं कहीं रास्ते में बीच में। नज़ारे यहाँ के आप देख सकते हैं। अब जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने चंडाक की तरफ, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, और यहाँ से भी नज़ारे काफ़ी अच्छे आते हैं। हम आपको कभी दिखाएंगे, एक आपको सामने भी दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी जेल है, खत्म है, इससे देख के कुछ नहीं मंगाया। हेलो दोस्तों, मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज का ब्लॉग भी शुरू हो गया है, तो चलिए बने रहें आप वीडियो के साथ, करते हैं हम एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज लोहाघाट शहर से। कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया। आज लोहाघाट के मौसम की बात करें तो धूप आई हुई है, बढ़िया गर्म होने लग गया है अब थोड़ा थोड़ा, लेकिन ठंड भी है ही। अभी सुबह का 10:30 हो गया है, 11 बजे तक हम आज पिथौरागढ़ जाने की सोच रहे हैं, तैयारी हो गई है हमारी, थोड़ी देर में निकलते हैं पिथौरागढ़ को और आपको भी मिलते हैं कहीं रास्ते में बीच में, आप भी चलिए हमारे साथ पिथौरागढ़ को। करीब एक घंटा चलने के बाद हम पहुंच गए हैं घाट से थोड़ा ऊपर। नज़ारे यहाँ के आप देख सकते हैं, सामने है घाट का पुल, सामने वाली रोड जाती है अल्मोड़ा गंगोली घाट को, नीचे नदी भी दिखाई दे रही है। तो पहुंच गए हैं पिथौरागढ़, अब जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने चंडाक की तरफ, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। तो चल दिए हैं हम चंडाक की तरफ, ये है घंटाकरण वाला एरिया, यहाँ भी काफ़ी व्यस्त रोड रहती है, तो चलिए आप भी बढ़िए हमारे साथ आगे को। इसी रोड में आगे गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज भी है जो कि यहाँ ऊपर पर है। आगे बढ़ने पर आपको माँ उल्का देवी का मंदिर भी दिखाई देगा जो कि बहुत सुंदर बनाया गया है, और यहाँ से भी नज़ारे काफ़ी अच्छे आते हैं। हम आपको कभी दिखाएंगे। यह है माँ उल्का देवी मंदिर का गेट और इसके बगल में है TRC। और ऊपर साइड में आपको लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस दिखाई दे रहे हैं, और यहीं आगे पर ही है पिथौरागढ़ का गैस गोदाम, ये यहाँ एक गैस की गाड़ी भी खड़ी हुई है। रास्ते के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं। चंडाक रास्ते में काफ़ी व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, एक आपको सामने भी दिखाई दे रहा है। अब हम पहुंचने वाले हैं वरदानी माता व्यू पॉइंट में, यहाँ भारत का झंडा लगाया गया है जो कि सांस से लहरा रहा है, ये बहुत बड़ा झंडा है यहाँ का। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं वरदानी जगह में, यहाँ तिरंगा लगाया गया है पिथौरागढ़ का सबसे बड़ा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं।
ये देखिए कितना बढ़िया लहरा रहा है। चंडाक को जा रहे थे हम, यहाँ पे से पिथौरागढ़ का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया शानदार नज़ारा है, जाती है। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब हम बढ़ चले चंडाक की ओर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। कितने शानदार नज़ारे यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं। इन नज़ारों का लुत्फ लेते हुए आप भी सफर में आगे को बने रहें। और अब सामने आपको दिखाई दे रही है पिथौरागढ़ की जेल। ये बहुत बड़ी जेल है और काफ़ी टाइम से बन ही रही है। अब जब ये पूरी हो जाएगी तो सभी कैदियों को यहाँ रखा जाएगा, यहाँ से कोई भाग भी नहीं सकता है। और यहाँ पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा एक चौकी भी बनाई गई है, जहाँ समय समय पर चेकिंग वगैरह चलती रहती है। और चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये पेड़, ये पहाड़। अब हम पहुँचने वाले हैं मेघना होटल के पास में, उससे पहले आपको ये दिखाते हैं। चंडाक पहुंचने से पहले आपको दिखाई देगी मैग्नीसाइट फैक्ट्री, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है, पूरा बंजर हो गया है ये एरिया। ये देखिए ख़त्म है। तो पहुंच चुके हैं मेघना में। मेघना होटल चंडाक का बहुत ही बढ़िया और फेमस होटल है। अंदर को चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। गेट से अंदर चलते ही आपको स्वागतम का बोर्ड दिखाई देगा। मेघना होटल आपका स्वागत करता है। सामने आपको मेघना होटल दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर गार्डनिंग वगैरह भी की गई है, आप देख सकते हैं। सीधे चल के आप सीढ़ियों से मेघना होटल को जा सकते हैं। चलिए आपको अंदर ले जाके दिखाते हैं। तो ऐसा है मेघना होटल के अंदर का दृश्य। यहाँ बैठने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। एक मंजिले और दुमंजिले में आप बैठ सकते हैं। और यहाँ से बाहर को जाने पर व्यू पॉइंट मिलेगा। यहाँ भी बैठने की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। यहाँ से भी पिथौरागढ़ का बहुत सुंदर नज़ारा आपको दिखाई देता है, देख सकते हैं आप। ऊपर यहाँ पर है क्रॉस। और ये है यहाँ का मेन्यू, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। हमने तो अपने मन से ही मंगा लिया, इससे देख के कुछ नहीं मंगाया। वैसे ये चीज़ें यहाँ अच्छी ही मिलती हैं। थोड़ा सा बैठ के यहाँ खाना खा लिया, थोड़ा फास्ट फूड।
अब चलते हैं यहाँ से वापस। और यहाँ फूलों के गमले भी लगाए गए हैं जिनमें अभी थोड़े थोड़े से ही फूल हुए हैं। और यहाँ देखिए कितने अच्छे पेड़ लगाए गए हैं, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ये पेड़। इन्हें क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे इनका नाम पता नहीं है। यहाँ एक स्कूटर भी है ये। तो दोस्तों घूम फिर के पहुँच गए हैं रूम में। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक बाय बाय, टेक केयर।